बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनडीए स्टेट माता की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, एसएसटी जनरल का पेपर जो हमने शुरू किया था उसका आखिरी पार्ट अपलोड कर लेते हैं, पार्ट नंबर 5। ये पेपर आज 16/2/2024 को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए एसएसटी जनरल कैटेगरी के लिए हो चुका है। तो उर्दू एमसीक्यूज आज के पार्ट में हम अपलोड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक। क्वेश्चन नंबर 41, उर्दू नज़म का बानी किसे कहा जाता है? उर्दू नज़म का बानी नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 42, उर्दू गज़ल की इब्तिदा किस शायर ने की? उर्दू गज़ल की इब्तिदा दिल्ली दक्कनी, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और 43 नंबर क्वेश्चन है कि मिस्रा के लघवी मानी क्या है दरवाजे का पट्टा, ऑप्शन बी है। और 44 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब का अव्वली तखल्लुस किया था असत्ता, ऑप्शन डी है। 45 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सवाने मौलाना रूम किस मुसन्निफ की किताब है? तो ये किसकी है? मौलाना शिबली नोमानी की है, ऑप्शन सी है। 46 उर्दू का पहला ड्रामा निगार किसे कहा जाता है? उर्दू का पहला ड्रामा निगार जो है वो अमानत लखनवी, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 47, मिर्जा गालिब ने कलकत्ते का सफर किस मकसद के लिए किया था? पेंशन के लिए किया था, ऑप्शन ए है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू मुअल्ला किस शायर की किताब है? उर्दू मुअल्ला जो है ये मिर्जा गालिब की है, ऑप्शन डी है। 49 नंबर क्वेश्चन, शहाब नामा किसकी है? कुदरतुल्ला शहाब की, ऑप्शन बी है। और 50 नंबर क्वेश्चन, शबीर हुसैन किस शायर का असली नाम है? तो ये जोश मली आबादी का, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। तो पेपर कंप्लीट हो गया, इसके बाद पूरे पेपर को एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।